मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस द्वारा एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को बहरहमी से पीटने का मामला है। ऑटो रिक्शा चालक ने पुलिस पर बहरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीड़ित ने क्राइम ब्रांच टीआई पर पेशाब पिलाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। ग्वालियर प्रभावशाली लोगों की यहां हुई चोरी का खुलासा करने की जल्दबाजी में पुलिस की बहरहमी सामने आई है, जिसमें एक निर्दोष ऑटो चालक के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि हाथ पैर तोड़ दिए, बल्कि क्राइम ब्रांच के थाना प्रभारी अजय पावर ने उसे पेशाब भी पिलाई ताकि आरोपी अपना जुर्म कबूल कर ले। ये सनसनीखेज आरोप ऑटो चालक दीपक ने पड़ाव थाने और क्राइम ब्रांच पुलिस पर लगाए हैं। वही अब मामला बढ़ता देख एसपी ने जाँच के आदेश दिए। पुलिस ने मारा मुझे पड़ाव थाने में, मैडम ने, टीआई साहब ने थट टॉर्चर करा मेरे संग में, मारपीट करी, उल्टा लटकाया मुझे। पूछते हैं वो सोना कहाँ, मैंने कहा साहब मुझे नहीं मालूम सोने का। फिर मुझे 23 तारीख को उन्होंने 1:30 बजे रात को छोड़ दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने 24 को फिर बुलाया मुझे। 24 को संजीव यादव का फोन आया तो फिर मैं 4 बजे पहुँच गया उनके पास। वो फिर मुझे टाटीपुर ले गए, क्राइम ब्रांच के हवाले सौंप दिया उन्होंने मुझे। फिर उन्होंने टीआई साहब ने मारा मुझे, मारपीट करी, उल्टा लटका दिया मुझे। वो पूछते हैं मुझसे सोना कहाँ साहब मुझे नहीं मालूम। उनने पेशाब भी पिलाया मुझे, उल्टा लटका के मारा मुझे। उनने की छोड़ देंगे तुझको, सरकारी गवाह बना देंगे साहब। मैंने कि मेरे को नहीं मालूम सोने का, ना मैं इस वारदात में हूँ। मैंने जय बोला उनसे, वो नहीं माने। फिर उसके बाद में मुझे 151 लगा के छोड़ दिया, जमानत दे दी। एसपी साहब से क्या शिकायत करी है आप? एसपी साहब से मंगलवार को जन सुनवाई में मेरी बहन वगैरह गई थी, आवेदन दिया था। तो एसपी साहब कह रहे कि तुम्हारा भाई का दूध का धुला है और जी और वो, तो उनने की कोई आरोप सही निकलेगा तो ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, ऐसे बोले। जो पड़ाव वाला मामला, उसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। देखिए मामला तो आपके संज्ञान में है, एक सराफा व्यवसायी जो कार से जा रहे थे उनकी गाड़ी को पंचर करके करीब 14 लाख की ज्वेलरी चोरी की गई थी। एक बड़ी गंभीर घटना थी जिस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की टीम और पड़ाव की टीम कर रही है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई, सीसीटीवी कैमरे के आधार पे जो संदेही थे उनकी उपस्थिति दिखी, उनकी गतिविधियां दिखी और पूरे ट्रैक पे जो देखे गए उसके आधार पे इनको बुलाया गया था। इनमें से जो 4 लोगों से पूछताछ हुई है उनमें उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी है, पहले भी चोरी के मामलों में इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसी के आधार पर इनसे पूछताछ हुई है। पूछताछ में कई सारी अहम जानकारियाँ इस मामले के बारे में मिली हैं, जिसके आधार पर हमारी टीमें आगे काम कर रही हैं। जिन संदेहियों से पूछताछ की गई उनमें से एक संदेही के द्वारा पुलिस पे कस्टोडियल मारपीट के आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से गंभीर आरोप हैं। इस पर मैंने एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को इंक्वायरिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है। जांच में जो भी प्रमाण आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उसमें यदि कोई सत्यता होगी तो कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।